हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। वेलकम टू द न्यू चैप्टर, चैप्टर 9, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एंड पार्ट 1। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड एक नया चैप्टर है। इस ये जो चैप्टर आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ये डिपेंड करता है जो आपके डीप लोक एलिमेंट्स मीन ट्रांजिशन एलिमेंट आप लोगों ने पढ़े हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट का जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, जैसे मोस्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड वी विल स्टडी हियर, दे विल बी फ्रॉम द 3D सीरीज। मीन्स जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज होती है उसके एलिमेंट की जो क्या होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी होती है, ये आपने उस चैप्टर के अंदर पढ़ा है अंडर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी थी कि भाई जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं। कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, नाम से पता चल रहा है, कॉम्प्लेक्स या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। कोऑर्डिनेशन क्यों बोला गया, या तो उसके अंदर कोऑर्डिनेट मोड होना चाहिए, ठीक है, कोऑर्डिनेट बोन होना चाहिए। सेकंड, इनके अंदर जो बॉन्डिंग है वो काफी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है, बॉन्डिंग बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होती है, तो एक तो इसलिए और एक कोऑर्डिनेट बोन होता है, इसलिए इन कंपाउंड का जो नाम है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोला जाता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मीन्स कोऑर्डिनेशन और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, आप इनको कैसे हम देख सकते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो होते हैं, दीज आर द कंपाउंड इन विच ए मेटल आयन इज फॉर्मड बाय द आयन्स और मॉलिक्यूल्स एंड फॉर द वैलेंसी हायर देन देयर नॉर्मल वैलेंसी। आया समझ में? हमने बताया कि भाई जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं वो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर जो आपका मेटल आयन, मीन्स एक मेटल आयन कौन सा, वो आपका मोस्ट ऑफ द केसेस में मोस्टली क्या होता है, मेटल आयन जो होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, ठीक है, मोस्टली ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो इस ट्रांजिशन एलिमेंट में क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट ऐसे भी होते हैं जैसे आपके ग्रुप 13 का एलिमेंट है एल्युमिनियम है, वो आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी शो करता है, तो कहीं पर बहुत भी हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ दी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के अंदर जो मेटल आयन होता है वो ट्रांजिशन एलिमेंट होता है, मीन्स डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है, और मोस्टली वो भी 3D सीरीज का, ठीक है। तो अगर आप डेली लाइफ को एनालाइज करें, बायोलॉजिकल सिस्टम्स को एनालाइज करें, तो आपने 3 कंपाउंड सुने होंगे, जैसे क्लोरोफिल सुना है, हीमोग्लोबिन भी आपने सुना है, ठीक है, विटामिन B12 भी आपने सुना है। तो क्लोरोफिल के अंदर क्या है, ये क्लोरोफिल क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है जिसके अंदर कौन सा मेटल आयन होता है, मैग्नीशियम, ठीक है। और हीमोग्लोबिन भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके अंदर आयरन मेटल आयन होता है, विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट एलिमेंट मेटल होता है। तो ये आपको याद रखना है कि भाई जो आपके हीमोग्लोबिन है, ठीक है, और क्लोरोफिल है, इनके अंदर कौन से मेटल आयन होते हैं, या आप कह सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है कि भाई आपके जो डेली लाइफ है या बायोलॉजिकल सिस्टम्स में आपको मोस्टली कौन से कॉम्प्लेक्स आयन देखने को मिलते हैं। तो अगर आप क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन और विटामिन B12 को देखेंगे, तो इनके अंदर जो मेटल है कोबाल्ट, आयरन और मैग्नीशियम, इनकी जो बैलेंसेज होती है वो बैउंड होती है, मतलब जितनी बैलेंसी होनी चाहिए उससे कहीं ज्यादा, ठीक है। जैसे आयरन की होती है +2 या +3 में होती है कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट आयरन की, लेकिन फिर भी ये क्या कर रहा है, +6 मतलब 6-6 एटम से ये जुड़ा हुआ है। तो ऐसा क्या होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं या एनी अदर एलिमेंट जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन टेंडेंसी शो करते हैं, उनके अंदर होते हैं वैकेंट डी ऑर्बिटल। तो वो वैकेंट डी ऑर्बिटल कौन पड़ता है, जिस एलिमेंट के साथ ये बॉन्ड बनाते हैं, जिस कंपाउंड के साथ, जिस मॉलिक्यूल या आयन के साथ ये बॉन्डिंग करते हैं, वो क्या करता है, अपना
लोन पेयर उन डी ऑर्बिटल्स में क्या कर देता है, ट्रांसफर कर देता है, जिसकी वजह से इनके बीच में क्या हो जाता है, एक बॉन्ड बन जाता है, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो इसलिए इनको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन इनकी बॉन्डिंग के ऊपर अलग अलग थ्योरीज हैं, कहीं पर ये कोवलेंट बॉन्ड माना गया है, कहीं पर इसको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड माना गया है, और कहीं पर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन माना गया है। ठीक है, बॉन्डिंग की बात हम बाद में करते हैं। अब आपके अब जैसे आपने क्या किया, आपके पास एक मेटल आए हैं एनायन टू पॉजिटिव, इसमें आपने अमोनिया ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको क्या बनता है, एनायन एनएच थ्री का होल सिक्स। ठीक है, ये एनएचसीएल टू ले लो, तो आपको ये कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसका कलर ब्लू हो जाता है। ठीक है, एक ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स मिल जाता है आपके पास। ये क्या था, एक कलरलेस कंपाउंड था, यहाँ पर आपने अमोनिया ऐड किया तो यहाँ पर एक ब्लू कंपाउंड बन गया। ठीक है, अब आपको पता है कि इसके अंदर अमोनिया है, क्लोराइड आयन है और निकल आयन है। लेकिन जब हमने इस कॉम्प्लेक्स को आगे स्टडी किया तो क्या होता है, जो इस कॉम्प्लेक्स की प्रॉपर्टीज होती है वो निकल इससे और इससे, मतलब इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स होते हैं उससे डिफरेंट होती है। तो इससे हमें पता चलता है कि जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होते हैं उनकी जो आइडेंटिटी होती है, मतलब वो अपने जो आयन्स होते हैं उनसे अलग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी शो करते हैं। मतलब आपके पास क्या आते हैं, डबल सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कॉन्ट्रडिक्शन रहता है। मतलब कुछ लोग कहते हैं कि भाई डबल सॉल्ट क्या है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डबल सॉल्ट मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बोथ आर डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, फार फार डिफरेंट फ्रॉम इच अदर, किस तरीके से वो अभी हम आपको बताते हैं। देखो ये पूछा जाता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर जो डिफरेंस होता है उसको अभी हम डिक्टेट करते हैं विद एग्जाम्पल। ये आपको बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि बहुत बार ये आदत है कि डबल सॉल्ट और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, आइए देखते हैं क्या डिफरेंस होता है इन दोनों के बीच में। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होता है, तो डबल सॉल्ट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कंपाउंड या आप कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, तो इनके बीच में क्या होता है भाई, ये जो होते हैं इसको आप कहेंगे जो आपके डबल सॉल्ट होते हैं, जैसे आपके पास है एक मोर सॉल्ट होता है। ठीक है, एक पोटेशियम एलम होता है, डबल सॉल्ट का फॉर्मूला होता है हेरस अमोनियम सल्फेट Fe(SO4) डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4 डॉट 6H2, और इसका एलम का फॉर्मूला होता है K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। ठीक है, ये आपके पास दो हैं। तो क्या होता है जब हम इन कंपाउंड्स को क्या करते हैं, जब हम इन कंपाउंड्स को वाटर के अंदर डिजोल्व करेंगे, आफ्टर डिजोल्विंग इन वाटर दे विल शो द प्रॉपर्टीज, सो द प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट आयन्स, जैसे अगर हम Fe(SO4) NH4 का होल ट्वाइस SO4 को हम क्या करते हैं वाटर में डिजोल्व करते हैं, तो Fe2 पॉजिटिव NH4 पॉजिटिव और आपको क्या मिलता है, सल्फेट आयन मिलता है। तो ये P प्रॉपर्टी अलग शो करेगा, ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, ये अलग प्रॉपर्टी शो करेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो डबल सॉल्ट होते हैं, डबल सॉल्ट जो होते हैं ये क्या होते हैं, एडिशन कंपाउंड होते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो मेटल की जो नॉर्मल वैलेंसी होती है वही वैलेंसी होती है, कोई एक्सेप्शनल वैलेंसी देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अलग अलग और ये एडिशन कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, एडिशन या मोलिकुलर कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, विच आर सैचुरेटेड टूगेदर इन ए डेफिनेट रेशियो।
जैसे आपने ये सॉल्ट लिया, ये सॉल्ट लिया, दोनों को एक साथ सैचुरेटेड कर दिया तो आपको मोनो सॉल्ट मिल जाता है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जब आप इनको डिसॉल्व करते हैं दे लूज देयर आइडेंटिटी। जब ये सॉलिड फॉर्म में तब ये मोनो सॉल्ट है, लेकिन जब ये डिसॉल्व हो जाएगा तो आपको फेरस आयन, अमोनियम आयन और सल्फेट आयन बताएगा। तो क्या करते हैं, दे लूज देयर आइडेंटिटी इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। लिक्विड स्टेट में ये क्या करते हैं, आइडेंटिटी लूज कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, हम बता रहे थे कि जो डबल सॉल्ट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी इसमें रिटेन करते हैं, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी, रिटेन आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट, ठीक है। लेकिन जैसे आप उनको किसी वाटर के अंदर डिसोल्व करेंगे लिक्विड फॉर्म में, क्या कर देते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी लूज कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जैसे Fe H2O का 4-6 3 पॉजिटिव है, ठीक है, या Ni NH3 6-2 पॉजिटिव है। तो ये क्या करते हैं, ये दोनों जो आपके कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है इसके अंदर जो मेटल आयन होते हैं, मेटल आयन जो होते हैं वो क्या करते हैं, एबनॉर्मल वैलेंसी दिखाते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल वैलेंसी आपको देखने को मिलती है यहाँ पर, मीन्स जो उनकी नॉर्मल वैलेंसी होती है उससे कहीं ज्यादा। दूसरा, दे रिटेन देयर आइडेंटिटी इन बोथ स्टेट, ठीक है। बोथ स्टेट का मतलब है चाहे वो लिक्विड है, लिक्विड एंड सॉलिड, दोनों स्टेट में क्या करते हैं, वो अपनी आइडेंटिटी को क्या कर लेते हैं, लूज नहीं करते हैं, इसीलिए उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोला जाता है। जैसे यहां पर Fe है आयरन, आयरन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 3 पॉजिटिव होती है। तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि भाई जो डबल सॉल्ट होते हैं वो क्या होते हैं, वो एडिशन कंपाउंड होते हैं या मॉलिकुलर कंपाउंड होते हैं जिसमें दो या दो से ज्यादा सॉल्ट को सैचुरेटेड किया जाता है, ठीक है। और जो आपके डबल सॉल्ट होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं लिक्विड स्टेट में, वो सिर्फ सॉलिड स्टेट में अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, रिटेन करके रखते हैं। और जो आपके डबल सॉल्ट होते हैं उनके अंदर जो मेटल आयन्स होते हैं उनकी नॉर्मल वैलेंसी होते हैं, लेकिन जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को क्या करते हैं, लूज नहीं करते हैं, और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो कंस्टिट्यूएंट आयन से डिफरेंट होती है। और जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो आपके सॉलिड और लिक्विड स्टेट दोनों में क्या कर देते हैं, आइडेंटिटी को रिटेन रखते हैं, ठीक है। और जो आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं इसके अंदर जो मेटल आयन होते हैं उसकी जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, वो एबनॉर्मल से कहीं ज्यादा होती है। जैसे अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल अटैच, बेस का मतलब यहाँ पर इसकी वैलेंसी 6 हुई, और ये 3 पॉजिटिव का क्या, ये कहां से आ गया, या यहाँ पर भी 6 मॉलिक्यूल अटैच है। ऐसा मतलब इन कंपाउंड्स के अंदर जो है जो बॉन्डिंग होती है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, मतलब ये दोनों तरीके की बॉन्डिंग भी दिखा सकते हैं। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर ये बॉन्डिंग जो दिखा रहा है ये आयनिक भी दिखा सकता है और कोऑर्डिनेशन भी दिखा सकता है, मतलब एक ही मेटल आयन है और वो दो तरीके की बॉन्डिंग कैसे दिखा सकता है। तो ये सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को डिस्कस करने से पहले वी विल स्टडी अबाउट द सम कॉमन टर्म्स और जनरल टर्म्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के हम कुछ जनरल टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो आपको पता ही है कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कोई भी मेटल आयन क्या होता है, एक मेटल आयन एट आयंस और मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहता है जिसके अंदर वो अपनी एबनॉर्मल वैलेंसी शो करता है। जिस तरीके के जो कंपाउंड होते हैं उनको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। आपके डेली लाइफ में मैंने आपको 3 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बताए, जैसे क्लोरोफिल हो गया, क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम होता है, हीमोग्लोबिन हो गया, हीमोग्लोबिन के लिए आयरन होता है, और विटामिन B12 हो गया, उसके अंदर कोबाल्ट होता है। तो ये पूछा जा सकता है कि विटामिन B12 कॉम्प्लेक्स में कौन सा मेटल आयन होता है, दैट इज कोबाल्ट, हीमोग्लोबिन में आयरन, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम, ठीक है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर पहले टर्म आते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। What is complex ion? That is complex ion and what makes it called complex ion? कि मतलब
इसको हम कॉम्प्लेक्स आयन क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या है इसके अंदर कि हम इसको कॉम्प्लेक्स आयन बोल रहे हैं? ये सिंपल आयन है, Fe2 पॉजिटिव या Fe3 पॉजिटिव, इसको हम बोलेंगे सिंपल आयन। लेकिन ये क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन क्यों होता है? कॉम्प्लेक्स आयन क्या है? एक चार्ज स्पेसिस, इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसिस विच हैव इन विच ए सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय द आयंस और मॉलिक्यूल एंड विच कैरी चार्ज। ठीक है, एक ऐसी स्पेसिस होती है, ठीक है, चार्ज स्पेसिस जिसके अंदर जो एक मेटल आयन होती है वो आयंस से या मॉलिक्यूल से सराउंडेड रहती है। इस तरीके की जो स्पेसिस होती है उसको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आयरन है वो सिक्स न्यूट्रल मॉलिक्यूल से क्या है? सराउंडेड है, और उसके ऊपर क्या है? चार्ज है। तो इस स्पेसिस को क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स आयन बोलेंगे। यू हैव टू लर्न द टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, कि किसको हम क्या बोलते हैं, एक कोऑर्डिनेशन स्फीयर, लिगेंड, मेटल आयन, सेंट्रल मेटल आयन, और क्या बोलते हैं उसको, डेंसिटी। ठीक है, बहुत सारे टर्म्स हैं इसके अंदर जिसको हम क्या सीरियल वाइज में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, सम इम्पोर्टेंट टर्म्स इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। जैसे हर एक चीज की टर्मिनोलॉजी होती है, जैसे हमने आपको बताया था कि सॉल्यूशन के अंदर कुछ टर्म्स होती हैं, कुछ लॉज होते हैं। हाँ, सॉलिड स्टेट के अंदर तो कुछ टर्म्स आए थे जिसमें यूनिट सेल आया था, ठीक है, लैटिस पॉइंट आया था, क्रिस्टल लैटिस आया था, ठीक है, और क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल के टाइप आए थे। उसी तरीके से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के भी टर्म्स हैं, कुछ बेसिक टर्म्स जिनको हम यहाँ पर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? कॉम्प्लेक्स आयन की। कॉम्प्लेक्स आयन जो होता है वो क्या होता है? ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स आयन एंड इट्स टाइप। ठीक है, कॉम्प्लेक्स आयन क्या होता है उसके टाइप की हम बात करेंगे। तो व्हाट आर कॉम्प्लेक्स आयन? कॉम्प्लेक्स आयन क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रिकली चार्ज स्पेसिस इन विच ए मेटल एटम और आयन कह सकते हैं आप, इज सराउंडेड बाय आयन्स और मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स आयन। ठीक है, जैसे आपको मैंने बताया था Fe(NH3) का होल सिक्स, थ्री पॉजिटिव, NiH2O6 थ्री पॉजिटिव, CuNH3 का फोर टू पॉजिटिव, ठीक है, AgNH3 का होल ट्वाइस पॉजिटिव। इस तरीके से ये आपके क्या है? कॉम्प्लेक्स आयंस हैं। इसमें आपने देखा है कि भाई जो मेटल है वो अलग अलग मॉलिक्यूल से क्या है? अटैच्ड है। ठीक है, तो इस तरीके की जो स्पेसिस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स आयन बोलते हैं। कॉम्प्लेक्स आयन को हम, कॉम्प्लेक्स आयन की अगर हम टाइप्स की बात करें तो क्या हो सकते हैं? ये पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, नेगेटिव हो सकते हैं और न्यूट्रल हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन। तो पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स आयन वो होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं। जैसे यहाँ पर हमने देखा है उनके ऊपर जो चार्ज है, ये वाला चार्ज, इस चार्ज को देखते हैं कि उनके ऊपर जो नेट चार्ज है, द चार्ज इफ देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज, और आप कह सकते हैं द कॉम्प्लेक्स आयन इन विच इट कैरीज ए पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स या पॉजिटिव चार्ज तो बोलते हैं कैटायनिक, एनायनिक
कैटायनिक कॉम्प्लेक्स आयन, द कॉम्प्लेक्स आयन विच हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन इट इज कॉल्ड कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस के ये सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, ये सभी क्या है, ये सभी आपके कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्सेस है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव, जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होते हैं, या आप कह सकते हैं एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। तो एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये नेगेटिवली चार्ज होते हैं। द कॉम्प्लेक्सेस, द कॉम्प्लेक्स आयंस विच हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम आर कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं FeCN का होल 6 3 नेगेटिव। ठीक है, या CuCN 4 2 नेगेटिव, या आप कह सकते हैं Fe C2O4 3 नेगेटिव। इन सभी के ऊपर आपने देखा यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो जिन कॉम्प्लेक्स आयन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है उनको क्या बोलते हैं, एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस बोलते हैं। द कॉम्प्लेक्स आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज आर कॉल्ड एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस। हियर इज द एग्जांपल्स ऑफ एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस, हियर आर द एग्जांपल ऑफ कैटायनिक कॉम्प्लेक्सेस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, दिस टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्सेस आर कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, उनको हम कॉम्प्लेक्स आयन नहीं बोलते हैं, हम बोलते हैं न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्स होते हैं वो बहुत ही रेयर होते हैं, मीन्स यहाँ पर मेटल आयन के ऊपर चार्ज हो भी सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसके अंदर। आपको हम बात कर रहे थे न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस की, तो कॉम्प्लेक्सेस नो चार्ज। ठीक है, या इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं जैसे FeCO5। ठीक है, या CO NH3 का 4 Cl2। ठीक है, इस तरीके का है CO NH3 3 CO3। तो इस तरीके के जो आपके कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके ऊपर यहाँ पर आपको देखना होता है, ये जो आपका स्क्वायर ब्रैकेट होता है यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है, यहाँ कोई चार्ज नहीं है। तो इस तरीके के जो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जिनके ऊपर यहाँ कोई चार्ज नहीं होता है इस स्क्वायर के ऊपर, उनको क्या बोला जाता है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस बोला जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं द कॉम्प्लेक्सेस विच हैव नो चार्ज ऑन देयर, या विच आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल आर कॉल्ड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, अब इसके अंदर जब हमने न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस बोला था तो वहां पर आपको दो टर्म आई थी, एक सेंटर एटम या आयन और एक आता है लिगेंड। ठीक है, तो सेंट्रल एटम और लिगेंड के जो बारे में हम बात करेंगे वो करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर, दैट इज पार्ट टू। आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है और आपको जो भी बताया गया है वो आपके अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हर एक चैप्टर का टॉपिक वाइज वीडियोस मिलती रहें और आपकी जो नॉलेज है वो बढ़ती रहे। ठीक है, और आप अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए एंड कीप स्टडी। थैंक यू।